ऐसे लोग जो जिले अस्पताल तक, बड़े हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और एक छोटी छोटी बीमारी में, एक छोटे बेसिक इमरजेंसी सर्विसेज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी ज़रूरत एक शहरी क्षेत्र से ज़्यादा एक ग्रामीण एरिया में है। अब गाँव के कोने कोने तक जाती हूँ और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बीमारी को बेसिक लेवल पे ट्रीट करने का मुझे अधिकार गवर्नमेंट ने दिया है, और जिससे गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं जब उन्हें डोर टू डोर सेवाएं मिल जाती है। यहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन के माध्यम से बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, 0 से 5 वर्ष तक का इम्यूनाइजेशन होना। हाँ, प्रत्येक गर्भवती को पहले क्या होता था कि यहाँ पे जब तक हम CHO नहीं आए थे तो एक आयरन सुक्रोज भी लगाने के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट या CSC PSC लेवल पे जाना होता था, जो कि यहाँ से 10-15 किलोमीटर अप्रॉक्स है। लेकिन मेरे आने के बाद अब महिलाओं को इंटरनेट डेज आ गया, आयरन सुक्रोज की सारी सेवाएं ले पाती हैं, और अब यहाँ पे लोग भी बहुत खुश होते हैं। उन्हें BP है, शुगर है, कोई गंभीर बीमारियां हैं तो हमारा टेली कंसल्टेशन है, उसके माध्यम से भी हम लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। ये मेरे सभी कंप्लीटेड केस हैं जिनका टेली कंसल्टेशन मैंने किया हुआ है, और अब तक ये 483 लोगों के मैंने टेली कंसल्टेशन जो है डन कर दिए हैं। थ्रू द लीडरशिप प्रोग्राम मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो USAID की तरफ से मुझे दी गई थी, तो उसके बाद काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत से काम ऐसे बाकी हैं जिसमें हम पीछे हैं। विश्वास है कि आज नहीं है लेकिन आने वाले कल में हमारे प्रयास से, हमारे टीम के प्रयास से ये मुमकिन हो जाएगा कि हम बहुत जल्दी ही 100% अपनी कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज के साथ इंगेज करेंगे, और एक गवर्नमेंट सर्विसेज फ्री ऑफ पॉकेट सर्विसेज के लिए वो 100% ट्रस्टेबल हो जाएंगे।